नमस्कार। शाम का समय है और पुराना मार्केट पर बचेली से कॉल आया है एक ग्रीन ट्री वाइपर के लिए। बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। और इन पत्तों के पीछे ये छुप के बैठा है, अब आपको दिखा होगा। देखिए कलर देखिए, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर में ये है और बता रहे हैं कि ये 5 दिन से जो है यहीं बैठा है। ये इसकी यही आदत होती है, ये कई बार दो दो तीन तीन हफ्ते तक एक ही जगह में अगर इसको परेशान ना किया जाए तो ये बैठा रहता है। लेकिन ये एक जहरीला सांप है, इसमें हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक भी जहर इसमें पाया जाता है। डेथ रेट तो कम है लेकिन एम्प्यूटेशन रेट काफ़ी हाई है इसके बाइट करने पर। ट्राइमेरेसरस ग्रमीनियस इसका वैज्ञानिक नाम है और बैम्बू पिट वाइपर, ट्री वाइपर इसके नाम है। तो आइए अब इसको जल्दी से निकालते हैं और इसको सेफ करना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत आवश्यक है दोस्तों। ऐसे जगह में ये बाइट भी आसानी से कर लेते हैं अगर ठीक से ना देखा जाए तो हमको देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ मूव हो रहा है और उसी तरफ हमको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये इस तरफ कहीं पे है, इसका हेड हमको भी फिलहाल नहीं दिख पा रहा है और ये निकला इसका हेड। हम देखेंगे यहाँ से इसको निकाला जाएगा और ये आ गया। आप देखिए ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे ही होते हैं लेकिन बाइट जो है इनकी वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। आप डब्बा भी देखेंगे तो बॉक्स जो है वो इस सांप के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे फूस भी थोड़ी सी रखी गई है बॉक्स में ताकि ये आराम से वहाँ पे बैठ जाए। अब ये बिल्कुल सेफ है, इस डब्बे में आ गया है और अभी ही इसको जंगल ले जाके इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसका रिलीजिंग का शूट भी आप साथ साथ देखिए। दोस्तों आपने देखा इस सांप को हमने अभी निकाला और अंधेरा घिरता चला आ रहा है और हम आ गए हैं वाइल्ड में। एक पेड़ भी हमको यहाँ पे दिख रहा है और इसी पेड़ पे हम इसको रिलीज़ करेंगे बिना समय गवाए, इसको आज़ाद करते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन हमने आपको बता दिए हैं पूरी तरीके से, ये सांप जहरीला होता है, कौन सा जहर इसमें पाया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया था और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है ये भी हमने आपको बता दिया था। ये सांप, इसकी खासियत है कि ये कई दिनों तक एक ही जगह में बैठे रह सकते हैं और इसीलिए कई लोगों को ये बहुत लंबे समय तक अपने घरों में दिखते हैं पेड़ों पे बैठे हुए। तो हमको उम्मीद है कि ये सांप यहाँ से चढ़ जाएगा। आप देखिए ये पेड़ों में चढ़ने के लिए बड़े माहिर होते हैं और हमने इसको बिल्कुल एक पेड़ पे लैंड करवा दिया है। और रात हो गई है तो इसके आसपास किसी के आने की संभावना कम है और ये पेड़ जंगल में भी है तो उम्मीद कम है कि यहाँ लोग आएंगे। और ये जो सांप है ये यहाँ पे अपना जीवन बहुत आराम से व्यतीत करेगा, या तो इस पेड़ पे या तो फिर आगे जंगल में बढ़ के। ये बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं दोस्तों, तो इसके पूरे गायब होने तक की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इनका मूवमेंट जो होता है स्लो होता है, प्लस इसके लिए नया इलाका है तो ये और धीमा मूव करेगा। तो इसको जाने देते हैं इसके प्राकृतिक जो इसका घर है वहाँ पे, और हम चलते हैं हमारा जो आर्टिफिशियल घर है वहाँ पे, क्योंकि शाम हो गई है, अंधेरा घिर रहा है और हम अब जो है ये समय जो है दूसरे कॉल अटेंड करने का हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ये वीडियो उन दर्शकों के लिए भी है जो कहते हैं कि आप रेस्क्यूज़ के वीडियो क्यों नहीं डालते। तो इस वीडियो में आपको रेस्क्यू और रिलीज़ दोनों देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको और किस प्रकार के वीडियो जो हैं वो देखने हैं। तो सपोर्ट कीजिए हमको, टीम AZN। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।